दोस्तों सेक्शन 43B सब क्लोज एच जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के द्वारा। ये जो क्लोज एच है जो आपको बोल रहा है कि 45 डेज में पेमेंट आपको करनी है, अदरवाइज़ आपकी जो पेमेंट है वो अब आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ की जाएगी, तो इसी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई है। लेकिन ये जो पिटीशन है ये फाइल की गई है कि एनी बायर एक्सीडिंग द टाइम लिमिट्स उसको पेनल्टीज लगेंगी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ 3 times द जो कि आरबीआई के द्वारा नोटिफाई किया गया है रेट। तो इसी को लेकर के जो ये पेनल्टीज लग रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है। उनका कहना है कि दिस प्रोविजन प्लेसेस अनड्यू बर्डन ऑन एमएसईज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस पर बर्डन है एंड कंपेलिंग देम टू एधर स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करनी है व्हाइल ऑफरिंग नो रेगुलेशन फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ पेंडिंग ड्यू टू दिस एमएसई सप्लायर्स। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के ये पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये पिटीशन जो फाइल की गई है इसका क्या आउटकम आता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनका कहना है सेक्शन 43BH इन्फ्रिंजेस अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ एमएसईज टू कंडक्ट बिजनेस ऑन देयर ओन टर्म्स एंड ग्रांट क्रेडिट एज दे डीम्ड फिट। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फ्रिंज कर रहा है सेक्शन 43B का क्लॉज एच। The petition filed by the Federation challenge the constitutionality of Section 43BH की constitutionality को भी challenge किया गया है। Its impact on the entire business community, particularly जो गुजरात based textile, chemicals and engineering units हैं। Various industries associations ने भी अपनी concern दिखाई है to the government, highlighting the adverse effect इस प्रोविजन का जो है ऑन MSEs एंड अर्जिंग इट्स रिकंसिडरेशन, इसे रिकंसिडर किया जाए। तो ये पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस पिटीशन को फाइल करने का जो भी इसका आता है आउटकम वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इससे कितना सहमत है कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम वो शेयर कर सकें।